क्या हाल है लौंडो? दोस्तों आज आप भले ही फ्री फायर के प्रो प्लेयर बन बैठे हो, लेकिन जरा याद करो उस समय को जब आपने फ्री फायर खेलना शुरू किया था। आपको थोड़ा बहुत ही शायद ध्यान होगा कि आपने नूब से कैसे प्रो तक का सफर तय किया था। ऑलमोस्ट सभी फ्री फायर प्लेयर्स की नूब से प्रो बनने की कहानी एक जैसी ही होती है। एज अ बिगनर कोई भी बंदा कैसे गेम खेलना शुरू कर देता है एंड उसकी गेमिंग स्किल्स में प्रोग्रेस कैसे होती है और फिर वो प्रो कैसे बनता है। तो चलिए फिर आज हम देखते हैं एज अ बिगनर फ्री फायर गेम शुरू करने वाला बंदा आखिर प्रो कैसे बनता है। वीडियो में देखिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है, कैसे एक नूब बंदा एक प्रो प्लेयर तक पहुंचता है। दोस्तों जैसे कि शुरुआत में पहले दिन हम सभी लोग क्लासिक मोड खेलते हैं और हम सभी बंदे अपने फेवरेट प्लेयर्स पर ही उतरते हैं, जैसे कि मैं अभी उतरा हूँ पीक पर। दोस्तों पीक सभी नूब बंदों की फेवरेट प्लेस है। जो बंदा पहली बार गेम खेलना स्टार्ट करता है उन सभी की ये सबसे पसंदीदा जगह है और मेरे ख्याल से सभी बंदों का पहला दिन पीक पर ही गुजरता है, क्योंकि मेरा पहला दिन पीक पर ही गुजरा था। वैसे आप सभी लोग कमेंट करके मुझे बताइए आप पहले मैच में कहां उतरे थे। दोस्तों इसके बाद कुछ इस तरह से नूब बंदा लुढ़कते लुढ़कते जाता है और एक गन उठाता है और उसको एक गन को उठाने में भाई साहब एक दिन लगता है। स्टोरी पूरी देखना, काफी मजा आने वाला है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों वो सोचता है कि अब कोई सा भी बंदा आ जाए मैं उसे आराम से मार दूंगा, तो वो गन उठाकर दोस्तों मारने के लिए चला जाता है। लेकिन वो जब भी मारने के लिए जाता है तब एक भी गोली सामने वाले एनिमी को नहीं मार पाता और उसको मार दिया जाता है। और वो सोचता है भाई क्या यार, कैसे मार दिया मेरे को, मेरे पास तो गन भी थी यार, फिर कैसे मार दिया मेरे को। इसके बाद दोस्तों दूसरे दिन भी क्लासिक लगाता है और वो इस बार बीमा शक्ति पर उतरता है। चाहे उसको भाई लैंडिंग करनी आए या फिर ना आए, लेकिन वो बीमा शक्ति पर ही उतरता है। वो खुली जगह में ही उतरता है और उसके बाद वो लुढ़कते लुढ़कते फिर से जाता है गन को ढूंढने के लिए। और उसको गन जैसे ही मिलती है वो सोचता है इस बार कोई भी आ जाए मैं उसको जरूर मारूंगा। नूब बंदे को गन का कॉम्बिनेशन भी पता नहीं रहता है और वो लुढ़कते लुढ़कते बंदों को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है और गन मिलते ही डायरेक्ट एनिमी ढूंढने लगता है। मतलब वो लुंगी स्टाइल में ही बंदों को ढूंढता है। वो हाई स्पीड में नहीं दौड़ पाता है क्योंकि दोस्तों वो एक बिगनर है, इसीलिए वो इसी स्टाइल में एनिमी के पास जाता है और जैसे ही वो एक बंदे को मारता है इसके बाद वो सोचता है कि अभी भी वो बंदा नहीं मरा है, इसलिए वो उसके लूट बॉक्स को ही मारना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है कि मैं इसे इतना मार रहा हूं फिर भी यार ये मर क्यों नहीं रहा। और जब वो बॉक्स पर फायर कर रहा होता है तभी पीछे से भाई कोई उसे एक ही गोली में मार देता है। उसके बाद आता है डे 3 और उसमें भी वो क्लासिक लगाता है। इसके बाद वो सोचता है कि यार मेरे से सोलो में तो कुछ हो नहीं पा रहा है, तो क्यों ना मैं स्क्वाड लगाऊं। अगर स्क्वाड होगा तो मैं अपनी टीममेट से बात भी कर पाऊंगा और किसी से फ्रेंडशिप भी करूंगा, और अगर मेरा टीममेट अच्छा खेलता होगा तो वो बुया भी दिला सकता है। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं होता क्योंकि उसका टीममेट भी उसी के जैसे आता है। उसके बाद उसको जैसे ही गन मिलती है वो तुरंत दौड़कर बंदे को मारने के लिए जाता है। तब तक उसको थोड़ा बहुत दौड़ना आता है, मतलब वो जो लुंगी स्टाइल में चलता था ना, वो अब धीरे धीरे भाई साहब इंप्रूव होने लगा। लेकिन अभी भी वो गन पकड़ कर ही दौड़ता है। इसके अलावा वो जिसको भी डाउन करता है उसको सीधा मार देता है। साथ ही अगर उसका कोई टीममेट डाउन होता है तो वो उसको सबसे पहले बचाता है, वो एनिमी को नहीं मारता। सबसे पहले टीममेट को बचाने की जिम्मेदारी उसकी ही होती है, मतलब सबसे पहले उसको अपने साथी को ही बचाने की जल्दी पड़ती है और टीममेट को बचाने के बाद ही वो एनिमी को मारता है, क्योंकि वो नॉक वगैरह कुछ नहीं जानता, उसको बस एनिमी को मारना रहता है। इसके बाद जैसे ही वो किसी बंदे को मारने के लिए निकलता है तभी दूसरा बंदा आकर उसको डाउन कर देता है और वो रिवाइव करो ऐसे चिल्लाता है। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और उसका टीममेट भी उतना अच्छा नहीं होता है और एनिमी आराम से उसको मार देता है। और ऐसा सीन मेरे साथ भी हो चुका है, पता नहीं आप लोगों के संग हुआ या नहीं हुआ, आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो भाई उसके बाद डे 15 मतलब 15 दिन बाद वो फिर से क्लासिक मैच लगाता है और एक गेम वो बुया के आसपास लेकर चला जाता है, यानी वो सेकंड या थर्ड पोजीशन पर आता है। और अब उसको लगता है और मोटिवेशन मिलती है कि अब मैं रैंक खेलने के लिए तैयार हूं। और वो देखता है कि यहां पर रैंक के बहुत सारे मोड हैं, इसलिए वो सीधे रैंक लगाता है क्योंकि उसने कहीं सुना होगा कि रैंक में और एकदम बढ़िया बंदे आते हैं। और उसको लगता है कि अभी मैं रैंक खेलने के लिए तैयार हूं क्योंकि वो क्लासिक पर बुया के आसपास चला गया था, उसको वहीं से इसका मोटिवेशन मिला था। इसके बाद दोस्तों रैंक खेलना शुरू कर देता है, लेकिन उसको गन कॉम्बिनेशन का अभी तक कुछ भी पता नहीं रहता है कि गन कॉम्बिनेशन कौन सी लेनी चाहिए या कौन सी नहीं लेनी चाहिए, उसको पता ही नहीं चलता। और वो कोई सी भी गन लेकर भैया सीधे एनिमी के पास जाकर मारने लगता है और उसका बंदा सामने से आकर टपका देता है। और वो सोचता है भाई ये क्या हो गया, मतलब क्लासिक में मैं तो इतना अच्छा खेल रहा था, गेम को बुया के आसपास भी ले गया था, रैंक मैच पर इतने हार्ड बंदे कैसे दे रहा है जिन्होंने मेरे को मार दिया, वो यही सोचता है। फिर उसके बाद दोस्तों 20 दिन बाद फिर से रैंक लगाता है, मतलब 10 दिन के बाद वो फिर से रैंक मैच स्टार्ट करता है क्योंकि रैंक गेम में उसने देखा था कि एनिमी किस तरह से कैम करके रैंक गेम खेलता है, तो वो सोचता भाई मेरे को बिना कैम करके खेलना है रैंक गेम, तभी मैं यहाँ पर बुया ला सकता हूँ और रैंक गेम को जीत सकता हूँ। तो फिर वो फुल कैम करता है रैंक गेम के अंदर, मतलब पूरा छुप छुपा कर खेलता है और उसके पास कोई बंदा आ जाए तो भी उसको कोई परवाह नहीं,
वो मर जाए तो भी उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो कैम्प करेगा ही करेगा, तो वो कैम्प करता है। उसके 30 दिन बाद उसने सोचा कि अगर मेरे को रैंक गेम जीतना है तो भाई मैं फैक्ट्री की छत पर चढ़कर ही जीत सकता हूँ, और वो फैक्ट्री के ऊपर ही कैम्प करता रहता है जब तक जोन नहीं आता, क्योंकि उसको रैंक प्लस करना होता है। और उसके दिमाग में एक ही चीज चलती रहती है कि उसको रैंक किसी भी हालत में प्लस करनी है, क्योंकि वो सोचता है कि रैंक प्लस करूंगा तो मैं भी प्रो प्लेयर बनूंगा, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरे को कैसे भी हीरोइक करना है और मेरे को इस तरह से सर्वाइव करना ही होगा। मतलब वो सोचता है कि मुझे फैक्ट्री के ऊपर ही सर्वाइव करना होगा, ठीक है। और दोस्तों आपको बता दूं, हर एक न्यू प्लेयर और हर एक बिगनर प्लेयर ऐसा ही सोचता है कि अगर मैं रैंक प्लस करूंगा तो मेरे को सब बंदे प्रो बोलेंगे, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं होता यार। इसके बाद वो लगातार गेम खेलता रहता है और वो नोटिस करता है कि गन स्किन और ड्रेस वगैरह जिस बंदे के पास होती है उसको लोग प्रो प्लेयर बोलते हैं, तो वो भी प्रो प्लेयर की तरह भाई गन स्किन और ड्रेस वगैरह खरीदना स्टार्ट कर देता है। और उसके बाद उसके गेम प्ले में कुछ ऐसा इंप्रूवमेंट आता है और उसको धीरे धीरे मोटिवेशन मिलती है कि अभी मैं बंदों को आराम से मार सकता हूँ, मेरे पास अगर गन स्किन होगी तो मैं आराम से बंदे को मार दूंगा। लेकिन गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है यार, आप बिना गन स्किन के भी बंदों को मार सकते हैं, लेकिन कोई भी बिगनर प्लेयर ऐसा सोचता है कि मेरे पास अगर ये गन स्किन होगी या फिर वो ड्रेस होगी तो मैं आराम से बंदों को मार सकता हूँ। लेकिन दोस्तों ड्रेस से कुछ भी नहीं होता, ड्रेस बस देखने के लिए अच्छी लगती है। जी हाँ, इसके बाद वो और सोचना शुरू करता है कि अभी मेरे को और स्किल इंप्रूवमेंट करनी है तो मैं ट्रेनिंग खेलता हूँ और कस्टम खेलता हूँ। उसके बाद उसने भाई ट्रेनिंग और कस्टम में बहुत ज्यादा टाइम दिया, बहुत ही ज्यादा टाइम दिया, बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करी, और जो प्लेयर उसको न्यू प्लेयर बोलते थे उन लोगों को उसने हराया, और वो बंदे भी उससे खुश हो गए और वो भी बोलने लगे कि भाई तू ना अच्छा खेलता है, तू अपने स्क्वाड में खेलेगा। हाँ, फिर उन लोगों के संग भाई वो खेलना शुरू कर देता है और वो लोग भी उसको अब काफी इज्जत देते हैं। तो मेरी जन, आप मुझे बताइए इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलती है। गन स्किन एंड ड्रेस से कुछ भी नहीं होता, मैं सच कह रहा हूँ। आपको अपनी खुद की स्किल खुद इम्प्रूव करनी चाहिए, तो आप लोग अपनी स्किल कस्टम रूम ट्रेनिंग ग्राउंड के अंदर खुद इम्प्रूव करो। अगर आप वन शॉट प्लेयर बनना चाहते हैं तो वन शॉट प्रैक्टिस कीजिए, अगर आप ट्रैक शॉट मारना चाहते हैं तो आप ट्रैक शॉट की प्रैक्टिस कीजिए। आप जो ही प्रैक्टिस करेंगे उसी चीज में आपकी जो स्किल्स है वो इम्प्रूव होगी, तो आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, पीछे मत हटिए। और स्टोरी सुन के मजा आया है तो फटाफट से मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप फ्री फायर से सच्चा प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपसे आने वाली वीडियोस बिल्कुल भी मिस ना हो। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो फटाफट से लाइक कीजिए, जितने भी फ्री फायर खेलने वाले दोस्त हैं उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और एज अ बिगनर गेम के दौरान आपके साथ कोई भी फनी चीज हुई हो तो कॉमेंट करके मुझे जरूर बताएं। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना, ठीक है, भूलिएगा मत, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। आपका कोई भी सवाल हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं, यूजर नेम और लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो जल्दी से जाइए फॉलो कीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिए, बाय बाय, टेक केयर।